हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस क्या होता है? तो ये एक तरीके का क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ब्लैडर में आपको प्रेशर फील हो सकता है, ब्लैडर में आपको पेन हो सकता है, इसके अलावा पर्सन को पेल्विक पेन भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, और इसमें ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को जो पेन है वो माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर पेन भी हो सकता है। ब्लैडर एक तरीके का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो यूरिन को स्टोर करता है। जब भी ब्लैडर एक्सपेंड होता है और फुल होता है तो वो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, जिससे हमें अर्जिंग होती है यूरिनेशन की। लेकिन अगर किसी पर्सन को इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस की कंप्लेन है तो ऐसे पर्सन के जो सिग्नल्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं और ऐसे पर्सन को नॉर्मल से ज़्यादा अर्जिंग होती है यूरिनेशन की, और यूरिनेशन और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है। इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये फीमेल को सीवियरली अफेक्ट करता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिम्टम पीरियोडिकली फ्लेयर होते हैं, जैसे कि कई सारे इसके ट्रिगर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फीमेल को मेंसेस चल रहा है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम तक कहीं बैठा हुआ है, स्ट्रेस में है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम भी उनके सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को पेल्विस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीमेल्स को वजाइना या फिर एनल एरिया में पेन हो सकता है। मेल्स को भी क्रॉनिक पेन की कंप्लेन हो सकती है और उन्हें पेन स्क्रॉटल एरिया में या फिर पेनिस एरिया में हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को एनल एरिया में भी पेन हो सकता है। इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस में पर्सन को पेल्विस में सीवियर पेन होता है, क्रॉनिक पेन हो सकता है, पेन अनबेरेबल भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को यूरिनेशन की अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है यूरिनेशन की। ऐसे पर्सन नॉर्मल से ज़्यादा यूरिनेट करते हैं और उनका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होने लग जाता है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि यूरिन ड्रॉपवाइज भी आ सकता है। सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को एक दिन में 60 या फिर 60 से ज़्यादा टाइम्स में यूरिनेशन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन, डिस्कम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन भी आ सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में भी सीवियर पेन हो सकता है। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैडर की वॉल में अगर इरिटेशन हो रही है, या फिर अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है ब्लैडर में, या फिर आपकी फैमिली में किसी को ये कंप्लेन है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस हो सकता है। तो जेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल्स को इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। तो जेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल्स को इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। इसके अलावा एज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस 30 ईयर या फिर 30 के बाद वाले लोगों को हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम IBS की कंप्लेन है तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैंथेरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैलकेरिया सल्फ 30 या फिर आप कैलीकार्प 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।